जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़े 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 हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बहुत लंबे समय बाद आज मेरे साथ की मुलाकात हो रही है सेवानिवृत्ति के बाद। अगर बात करें आपके जीवन पे कुछ प्रकाश डालें, छोटा सा गांव रामपुरा जहां से निकलकर आप आगे बढ़े, वो यादगार पल रामपुरा के जब आप वहां पर शिक्षा आपने ग्रहण की, आपका जीवन वहां कैसे रहा? रामपुरा दरअसल पापा की सर्विस के कारण रामपुरा तो हम लोग केवल मिडिल क्लास के वक्त ही रहे, बाकी मेरा प्राइमरी एजुकेशन हुआ नीमच में। और नीमच में जब पापा की सर्विस लगी तभी मेरा जन्म सीतामऊ तहसील का छोटा सा गांव है बसई चंबल के किनारे, वहाँ मेरा जन्म हुआ। पहली से पाँचवीं तक मेरा एजुकेशन हुआ नीमच। छठी सातवीं आठवीं में जब पापा का ट्रांसफ़र मनासा हुआ तब उन्होंने परिवार को रामपुरा शिफ्ट किया, तो हम लोग छठी सातवीं आठवीं मेरा मिडिल एजुकेशन मेरा रामपुरा का है। रामपुरा में आप रहते थे, एक तरफ रिंगवाल एक तरफ पहाड़, बीच में रामपुरा बसा हुआ, ऐसा कोई यादगार पल याद आता? रामपुरा का पल तो टाटपट्टी वाली पोजीशन थी उस वक्त, आठवीं तक हम लोग टाटपट्टी पे ही बैठे, लेकिन सारा कल्चर सारा ये बचपन की रामलीला करना, बचपन के झुंड करना, बचपन में वो सामने एक मस्जिद थी तो अपने को ताशे बजाना ढोल बजाना क्योंकि सामने ही मस्जिद थी, मतलब एक मिलजुल करके रहने वाला इवेंट और एक अच्छा मतलब बचपन का एंजॉय, जो छोटी छोटी यादें हैं वो यादें हैं। डॉक्टर साहब हमने सुना है कि आप गीत बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ दो पंक्ति सुनाइए। गीत तो क्या बस मार खाते खाते सीख गए, जब मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ तो या तो आप माओ मार खाओ या गाओ, तो मेरे सीनियर लोग सिगरेट जिसे कहते ना सिगरेट, सीनियर लोग मेरे होठों को लगाते थे और मैं गुस्से में आकर के फेंक देता था, सिगरेट नहीं लगाना तो नहीं लगाना, तो सीनियर लोग खूब मारते थे, बहुत मारते थे, तो या तो तू सिगरेट पी या फिर कोई किशोर कुमार नाम है तेरा, अच्छा अच्छा कोई गाना गा के सुना, तो बस गाते तो नहीं थे पर वो गाना बस बचने के लिए मार खाने के लिए गाना चालू कर दिया। तो उस ज़माने में एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की कसौटी, उसका वो गाना था हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, किशोर कुमार की आवाज़ में अमिताभ बच्चन का गाना था, तो उसको गा करके और बजते थे और वही गाना मेरे को आखिरी तक दो साल तीन साल तक जब तक रेगिंग चलती रही मेरे को वो गाना बचाता रहा। दो पंक्ति सुनाइए ना सर। ठीक है। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, एक मेम साहब है साथ में साहब भी है, एक मेम साहब है साथ में साहब भी है, मेम साहब सुंदर सुंदर है साहब भी खूबसूरत है, दोनों पास पास हैं बातें खास खास है, दुनिया चाहे कुछ भी बोले बोले हम तो कोश नहीं बोलेगा। सिगरेट पीता नहीं था लेकिन सिगरेट का नाटक करना, बस इसीलिए सिगरेट का ड्रामा कर करके बचे। उसमें प्राण ऐसा सिगरेट का सुट्टा लगाता है और करता, तो बस ऐसे ड्रामा करके हम बचे, तो बस ठीक है तेरे अब मारनी पड़ेगी ऐसे बचे। इस गाने ने बचाया मेरे को बहुत। डॉक्टर साहब आप तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं यार, इतना अच्छा गाते हैं आप, कहीं फिल्म इंडस्ट्री में होना था आपको तो? मार खा करके सब सीखे हैं, मार के डर से सब सीख जाते हैं। वैसे शौक रहा है, मतलब पिक्चर देखने का भी बहुत शौक था, हमारे वक्त तो टाकीज में पिक्चरें चलती थी,
मेरा एक फ्रेंड था महेंद्र जैन, उसके पिताजी डॉक्टर थे, तो थोड़ा था उसके पास कलेक्शन। हम तो गरीब माँ बाप के औलाद थे, पैसे रहते नहीं थे हमारे पास, लेकिन वो कोई भी पिक्चर लगती थी मंदसौर में, 9th 10th 11th का मेरा फ्रेंड, तो उसके साथ बंक मार करके पिक्चर देखने जाते थे। आगे आगे बैठते हो? आगे मूंगफली के, बिल्कुल मूंगफली सबसे आखिरी वाली, उस सबसे जो आगे जो पर्दे के पास साफ जो रहती ना उस वाली, उसमें मूंगफली के ऊपर चढ़ के एक के ऊपर एक चढ़ करके टिकट लेना, भीड़ में टिकट लेना, और फिर सबसे आगे थर्ड क्लास जो रहती है, वो अपने लिए तो फर्स्ट क्लास थी उस वक्त, तो उसमें बैठ करके पिक्चर देखते थे। अरे भाई डॉक्टर साहब, आपसे आपके लाइफ में तो बहुत बड़े जो बात आप बता रहे हैं, तो वैसे ज़्यादा बात करें तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, आप वैसे बनना क्या चाहते थे? ऐसा कुछ तय नहीं था, मेरी पूरे परिवार में हायर सेकेंडरी में एडमिशन लेने वाला मैं था फर्स्ट, कॉलेज में एडमिशन लेने वाला मैं फर्स्ट, बायोलॉजी से डॉक्टर बनते हैं यही मेरे को मालूम नहीं था, पर वो बस पापा ने जो सब्जेक्ट दिला दिया चलते गए, क्योंकि साइंस मेरी अच्छी थी, साइंस बायोलॉजी मेरा अच्छा था, गणित में अच्छी थी, मैंने प्राइमरी भी टॉप किया, मिडिल भी टॉप किया, हायर सेकेंडरी भी मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, पर 9th में सब्जेक्ट लेना पड़ता था, तो पापा के जो परिचित लोग रहते थे उन्होंने बोला कि नहीं बच्चा पढ़ने में अच्छा है, इसको साइंस बायोलॉजी दिलाओ, उन्होंने दिलाई, मैंने ले ली, बस पढ़ते रहे। तो 9th 10th 11th मैंने मंदसौर से करी, मंदसौर हायर सेकेंडरी स्कूल से, तो मैंने हायर सेकेंडरी में 11th में पूरे जिले में बायोलॉजी सेक्शन में टॉप किया था जी। फिर आपने MBBS कहाँ से किया? MBBS मैंने मेडिकल कॉलेज इंदौर, MY मेडिकल कॉलेज, MGM मेडिकल कॉलेज और MY हॉस्पिटल इंदौर से किया, वहाँ से आपका हुआ, उसके बाद आप डॉक्टर बन गए? बना दिए गए, पास हो गए तो बन गए। चलो एक गीत एक और हो जाए आपकी पसंद का। किशोर कुमार ही मेरे फेवरेट रहे हैं। आप भी तो किशोर हैं? हाँ मैं किशोर ही हूँ। मैं उसी का फिर एक गाना गाना बताता हूँ जो उस ज़माने में हमारे वक्त बहुत फेमस था, 72-73 में मेरा एडमिशन हुआ मेडिकल कॉलेज में, तब समा है सुहाना सुहाना नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है, हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। डॉक्टर साहब आपने MBBS कर लिया, और एक ऐसा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अंदर की बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अंजना जी जो हमारे भाभी जी हैं, इनसे आपकी मुलाकात कैसे हो गई? बस एक मंदसौर में ही 9th 10th 11th मैंने किया, तो ऐसा कोई परिचय जैसी कोई बात थी नहीं, और न कभी हमारी बातचीत हुई, न कभी, बस एक पारिवारिक फंक्शन में, कभी सामाजिक फंक्शन में कभी मिले तो मिले, अदरवाइज नहीं मिले। डॉक्टर साहब मेरे पास आपका एक फ़ोटो है बचपन का, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ उसको, आप इस पिक्चर को देखिए, आप भी छोटे हैं, अंजना जी भी छोटे हैं, मतलब पहले से कहीं ना कहीं कुछ तो है जब आप बच्चे थे उस समय। ये फ़ोटो मेरे पास बहुत पुरानी फ़ोटो है, स्क्रीन पर नज़र आ रही है, आप पहले इस फ़ोटो को आप देखिए, इसके बारे में आप मुझे बताइए, कुछ न कुछ तो है कि पढ़ने सूत्र बंधन में भी आप बंध गए। ये एक ईश्वर का पता नहीं क्या योग था, मेरे को खुद को नहीं मालूम था, ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, बड़े ताऊ जी के लड़के ओम जी, उनकी शादी मनासा हुई थी जी। और अंजना की दादी मनासा की है, और वो उनकी मतलब नाती थी, वो जो मतलब जिससे शादी मेरी मतलब बड़े भाई साहब की हुई जी। तो उनकी शादी के इवेंट्स में, शादी के कई साल बाद मेरे को ओम भाई साहब ने वो फ़ोटो गिफ्ट किया, मेरी भी शादी के बाद, मेरे को नहीं मालूम था कि ये फ़ोटो हम दोनों का है, और इसमें एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ अंजना है। मैं खुद सरप्राइज हुआ कि शादी मतलब उन्होंने कम से कम मेरी शादी के भी 5 साल बाद वो फ़ोटो मेरे को गिफ्ट किया भाई साहब ने, सस्पेंस के रूप में कि देख किशोर इसमें पहचान क्या है, मैं खुद नहीं पहचान पाया कि मतलब क्या स्थिति। तो वो बस अब ये बचपन का फ़ोटो है, एक तरफ मैं हूँ, मैं 9 साल का हूँ, मैं उस वक्त 5th में था, और वाइफ 6 साल की है। अब ये पता नहीं क्या ईश्वर का बना हुआ होगा। देख सब एक गाना अभी बहुत थोड़ा सा पहले बहुत बजा था, बचपन का प्यार भूल मत जाना रे, कहीं ना कहीं गाने पे सूट नहीं, मतलब मैं इस रास्ते पे कभी चला नहीं, प्यार मोहब्बत वाली, बस ये ठीक है, हो गया बस बाकी। एक रोमांटिक गीत हो जाए? रोमांटिक गीत तो क्या, मैं इसी के लिए गाता हूँ, इसी के लिए गा रहा हूँ, गाने का मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, मैं वहां पे भी गाऊंगा स्टेज पे।
होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे अंजना, अरे हे अंजना प्यार। उस पिक्चर में हे कांची आता है, लेकिन मैंने इसको अंजू को समर्पित किया है, हे अंजू, ऋषि कपूर के पिक्चर। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब। यार अंजना जी से बहुत प्यार करते हैं आप डॉक्टर साहब, ये बताइए, मजाक भी हो गई, बात भी बहुत सारी हो गई, परिवार की बात भी हो गई, जॉब में आप आ गए, सर्विस कैसे लगी, और सर्विस से पहले आपने क्लिनिक खोला होगा, वो कुछ यादगार पल होंगे। तो 31 अगस्त 80 को मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हुई, और 2 तारीख मतलब तीसरे दिन मैंने सुवासरा में मामा के यहाँ अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, मामा सुवासरा में मामा के यहाँ मैंने क्लिनिक खोल लिया और बस प्रैक्टिस चालू कर दी। प्रैक्टिस चालू कर दी पर अपन साधन के अभाव में, मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई मोटरसाइकिल वगैरह कुछ नहीं थी, कोई मरीज का आता गांव में उस वक्त तो घर घर जाके मरीज़ देखना पड़ता था, गांव से किसी मरीज़ का काल आए तो मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, तो किराए की 2 रुपये घंटे की साइकिल लेकर के 2-3-4 घंटे में पेशेंट दे करके आता था, 8-10 रुपये तो साइकिल वाले को देता और 20-30 रुपये लेकर आता। तो मेरे मामा जो है उन्होंने बोला कि किशोर तेरे बस की बात नहीं है प्रैक्टिस करना, बेटा तू तो नौकरी कर। पर ठीक है, जब तक नौकरी नहीं लगी जब तक परिश्रम तो करना ही है, पर करा। 1 साल मैंने प्रैक्टिस करी, 1 साल ESI रतलाम में नौकरी करी और फिर 82 से सिविल सर्विस में आ गया। मैंने कहा सर मेरे को आप कुकड़ेश्वर कर दीजिए, बोले नहीं नहीं भाई हम होम डिस्ट्रिक्ट तो दे ही नहीं सकते। तो मैंने कहा सर मैं तो रतलाम हूँ, मैंने ही बोला कि मैं रतलाम का हूँ, मैंने बोला कि सर मैं तो रतलाम हूँ, क्योंकि मैं मतलब झूठ भी नहीं बोला क्योंकि मैं रतलाम था उस वक्त सर्विस में था। तो उन्होंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है फिर तुम्हारा कर देते हैं मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। तो उन्होंने मेरे को सिविल डिस्पेंसरी कुकड़ेश्वर पोस्टिंग कर दी और मैं कुकड़ेश्वर के लिए आ गया। हो जाए एक गीत अच्छा सा। अब गाना तो फिर मेरे को वापस याद करना पड़ेगा कि मैं कौन सा गाना गाऊं। फिर वापस मैं अंजना को समर्पित करता हूँ एक गाना, तो वो उसी के लिए गाने हैं मेरे सब। बहुत प्यार अंजना जी को लेकर। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ कर के तुम नाराज मत होना, के तुम मेरी जिंदगी हो, के तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ कर। मैं वापस आपका कुकड़ेश्वर ले चलता हूँ, आपका जाप कुकड़ेश्वर में पहली सैलरी आपको मिली होगी, उस दिन की अनुभूति कैसी रही? मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि उस वक्त मेरी पहली तनख्वाह मिली केवल 900 रुपये, लेकिन उस जमाने में 900 रुपये मतलब बहुत बड़ी बात, बहुत खुशी हुई। और पूरी तनख्वाह जा कर के मम्मी के पाँव में रख दी, बहुत खुशी हुई। रिलैक्स नहीं, वाकई सही कह रहे हो आप, पहली जब तनख्वाह होता है तो उसका अनुभव एक अलग होता है। नहीं मैं समझ सकता हूँ आपकी भावना को। क्या लगा मम्मी को? माँ भी बहुत खुश हुई, पहली तनख्वाह माँ को दी तो बहुत खुश हुई। बस उसके बाद से फिर मैंने नियम बना लिया कि अब मैं घर के लिए अपना जो भी है सब, तो 700 रुपये मैं माँ को देता था, 50 रुपये मैं अंजू को देता था, उस जमाने में हाथ खर्च के 150 रुपये मेरे पास रखता था। सब इतना सब कुछ काम करने के बाद जब रिलैक्स होते हैं, गाना दिमाग में घूमता होगा कोई ना कोई। सुनाइए तो। गाना तो मैं हमेशा ही गुनगुनाता रहता हूँ। गाने का शौक तो मेरे को किशोर कुमार रफ़ी साहब के गाने बहुत पसंद हैं, लेकिन जब वाकई बहुत ही मज़े में रहता हूँ या जब बहुत पीसफुल उसमें रहता हूँ तो मेरे को लता जी का गाना वो बहुत पसंद है, रजिया सुल्तान का। ए दिले नादा, ए दिले नादा, जिंदगी क्या है। ये गीत आपको पसंद? बहुत पसंद है, और आज भी मेरी डायल ट्यून में ए दिले नादा, मेरी मोबाइल की डायल ट्यून में आज भी ए दिले नादा है। और मोहम्मद रफ़ी साहब का कौन सा गीत ज़्यादा पसंद? मोहम्मद रफ़ी के तो मेरे को आप समझ लो कि पूरी डिक्शनरी है। सुनाइए ना कोई गीत। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी सदा रही है, सदा रहेगी।
जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक जबान होती है। नजर में बिजली अदा में शोले, ए जाने जाना पलट के देखो, जरा पलट के इधर तो देखो, जरा पलट के इधर तो देखो। निजुलता नारे प्यार का मौसम आया, अरे हाय रे हरी हरी धुम छाया। ये तो बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, इतना लंबा सफर आपका, 41 साल 5 माह सर्विस में, ऐसी कोई यादगार पल, ऐसी कोई घटना सुनाइए ना आप जिसमें आप खूब हंसे हो। देखो मैंने काम को बहुत एंजॉय किया है जी। अपना काम अपने को करना है तो आप उसको एक दिन में करो तो भी आपको करना है, दो दिन में करो तो भी आपको करना है, हंसते हंसते करो तो भी आपको करना है, और रो रो के करोगे तो भी आपको करना है। एनेस्थेटिस का काम ऐसा है कि उसका काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, मेरा काम मुझे ही करना है। इंजेक्शन भी मेरे को ही भरना है ताकि कोई गलत इंजेक्शन नहीं भर दे, इंजेक्शन भी मेरे को ही लगाना है ताकि वो डोज संतुलित रहे, और उसके बाद फिर अस्पताल का और ओटी का वातावरण भी मेरे को ही मतलब रखना है ताकि सब एंजॉय करते रहे और खुशनुमा माहौल में ओटी का माहौल करना, जितना खुशनुमा होगा उतना मतलब, तो हम बस हंसी मजाक और इन्जॉयमेंट तो चलता ही रहता है। और वो उस वक्त के इवेंट ऐसे होते हैं कि बात पे कोई बात निकलती है और हंसी छूट जाती है। अब ऐसा कोई अपन ऐसा इवेंट याद नहीं कर सकते, लेकिन ये कि मस्ती भरे माहौल में अपन काम करते हैं और मस्त रहते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप सेवानिवृत्त हो गए, अब आपका लाइफ स्टाइल क्या रहेगा, क्या करेंगे आप? मैंने कभी अपना ऐसा फ्यूचर प्लान किया नहीं, मैं मतलब आज में जीता हूँ, ना तो गया उसका परवाह करता हूँ और ना आएगा उसकी परवाह करता हूँ। नौकरी थी और नहीं है तो नहीं है। डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होता, डॉक्टर तो मैं हूँ। तब आप सेवानिवृत्त हो गए, पर लगता नहीं कि आप रिटायर्ड हुए, आपका स्मार्टनेस का राज क्या है? मेरा परिवार, परिवार के साथ जो खुशी, जो इंसान घर में खुश रहता है वो बाहर भी खुश रहता है, जो घर में खुशी मिलेगा वो बाहर भी खुशियाँ बांटेगा। तो मेरा परिवार ही मेरी ताकत है और मेरा परिवार ही मेरे हर चीज़ का रहस्य है। और थोड़ा मैं स्ट्रिक्ट रहता हूँ मेरे खान पान के प्रति, हल्का सा कभी कभी परिवार में टकराहट होती है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, तो मेरे को 22 साल हो गए मैंने मावे की मिठाई के हाथ नहीं लगाया, मैं मावे की मिठाई नहीं खाता। मेरे परिवार में चारों भाई डायबिटीज़ शुगर से पीड़ित हैं, भगवान की दया से मेरे को कुछ नहीं है। बस मैंने एक ही उद्देश्य अपने स्मार्टनेस का, आप स्मार्टनेस शब्द दे लो उसको या मेरी शारीरिक स्वाद दे दो, आधा खाना, डबल चलना, 3 गुना हंसना और 4 गुना प्यार करना सबको, बस ये मेरी लाइफ स्टाइल है और इसी से मैं, अब आप देख लो जैसा भी हूँ जैसा। ये डॉक्टर साहब मैंने सुना है, मैं अक्सर आपको देखता हूँ, अब आपका स्टाइल ऐसा बन गया कार का, गाड़ियों का, बाइक का आपको बड़ा शौक है, और एक चीज़ और उसमें मैंने कोट किया, आपका अंक 5 ही होता है उसमें, इतना शौक कैसे आप? दरअसल 5 तो एक वो है, मेन चीज़ है 10, तो 5 का अंक जब भी मिलेगा टोटल 2 5 होंगे तो 10 बनेंगे। तो स्टार्टिंग मैंने करी थी, मेरी एक सुजुकी मोटरसाइकिल थी, उसका नंबर आया था 1234, उसकी टोटल 10 होती है। मेरी शादी की तारीख भी 28 अप्रैल थी, तो मैं भी उस अंक को 10, तो मेरे उसको मैं लकी फिगर मानता हूँ कि यार ये मेरे लिए लक है, तो 10 का अंक मेरे लिए ऐसा रहा, तो मैं टोटल 10 लेके चलता हूँ। तो 5 5 तो फिर चल गया सब गाड़ियों के नंबर, गाड़ियों का बहुत शौक है। मैंने श्रीमती जी से शादी हुई उस भी दिन में बोला कि तुम मेरी तीसरी पत्नी हो, तीसरी पत्नी, चौंक गई, पहली पत्नी क्या? पहली पत्नी मेरा काम, दूसरी पत्नी क्या? दूसरी पत्नी मेरी गाड़ी, तीसरे नंबर पे तो शौक है। तो गाड़ी का वाकई बहुत शौक है, ड्राइविंग का बहुत शौक है। मैंने मेरी लाइफ में अभी तक आप मान के चलो कम से कम 20 लाख किलोमीटर गाड़ी चला दी होगी, मैंने आज तक कोई ड्राइवर नहीं रखा। मेरे चारों धाम की यात्रा मैंने खुद ड्राइव करते हुए करी है, मैं कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक गाड़ी खुद ड्राइव कर चुका हूँ, हिमाचल 3 बार हिमाचल जा चुका हूँ, सिक्किम, दार्जिलिंग, पूरी,
कलकत्ता, बिहार, नेपाल, सब अपनी गाड़ियों से मैंने किया है, खुद ड्राइव करते हुए कराया, गाड़ी का बहुत शौक है। डॉक्टर साहब, अंत की ओर जा रहा मेरा इंटरव्यू, एक कोई अच्छा सा गीत और हो जाए। गीत मेरा परिवार और मेरे दोस्तों और मेरे शुभचिंतकों के समर्पित है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। इमोशनल, क्योंकि सबसे मतलब बस ये मेरे अंदर की है कि मैं मतलब सब दोस्तों का परिवार का प्यार बना रहे, बस ये। थैंक यू डॉक्टर साहब, एक सेल्फी आपके साथ हो जाए। थैंक यू। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़े 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 हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।